जिसमें ये बात वाज़े हो जाती है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में मोहब्बत के जज्बे को कैसे सरायत फरमाया था। चुनाचे हक़ सुबहानहु व तआला ने भी इसी मोहब्बत, बाहमी मोहब्बत के मुताल्लिक़ क़ुरान पाक में एक और जगह इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मा वशद्दा वलल कुफ्फारि वरहमाउ बैनहुम, कि ये मोहम्मद हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं और काफिरों के लिए इनके जो अस्हाब हैं ये बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े नरम दिल हैं। दोस्तों, दुनिया के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। अभी चंद दिन पहले इसी मोहल्ले के करीब एक ऐसा दर्दनाक वाकया रूनुमा हुआ जो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कत्ल किया, दर्दनाकी के साथ, दरिंदगी के साथ, और वो मंज़र अब तक हमारी आंखों में फिर रहा है कि किस कदर दरिंदा सिफत इंसान होता चला जा रहा है। यकीनन ये एक ऐसा वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करें और देखें कि हम किस लिए भेजे गए थे और हमसे क्या मुतालबात किए जा रहे हैं और हम उस पर क्या अमल कर रहे हैं। दुश्मनियाँ हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गईं। देखें, इख्तलाफ जहाँ तक है, इस्लाम ने इख्तलाफ की इजाज़त दी है आपस में बाहमी, लेकिन इल्मी इख्तलाफ की, नज़रियाती इख्तलाफ की। लेकिन इख्तलाफात इस कदर बढ़ गए हैं कि एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान को दरिंदगी के साथ कत्ल कर रहा है और अलमिया यह है कि लोग उसकी जान बचाने की बजाय उसका तमाशा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से इख्तलाफ करता है और इख्तलाफ इस कदर बढ़ जाता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के कत्ल पर आमादा हो जाता है या फिर उसे कत्ल कर देता है, तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि कत्ल होने वाला यानि मख्तूल जन्नती है। अमूमी तौर पर ये हमारे पास तासुर है कि जिसे कत्ल किया जाए वो शहीद हो जाता है। लेकिन अफसोस कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है तो हुज़ूर ने फरमाया अल-क़ातिलु वल-मक्तूल फिन्नार, के कत्ल होने वाला भी और कत्ल करने वाला भी अगर दोनों मुसलमान हैं तो ये दोनों के दोनों जहन्नम का ईंधन बनेंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कत्ल होने वाले जो मक्तूल है, जिसे कत्ल कर दिया गया, उसका क्या कसूर था? कसूर इतना ही था कि उसने एक दूसरे मुसलमानों को इतना उकसाया, उसको इतना इंसाइट किया या फिर उसको इतना मजबूर किया कि वो दूसरे मुसलमान के कत्ल पर आमादा हो गया। तो कसूरवार अज़रू शरीयत इसको भी ठहराया गया है और ये भी अल्लाह रब तबारक व तआला के पास अपने खून आलूद लिबास को लेकर माफ़ी तलब करने से कासिर रहेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने पहले ही फरमाया इख्तलाफात नज़रियाती हो, इल्मी हो, उलमा का हो, फिक्री हो, ये जायज़ है दीन की हद तक। अल-हुब्बु लिल्लाह वल-बग़्ज़ु लिल्लाह के तहत ज़ाती इख्तलाफात को इस कदर न बढ़ाया जाए कि ऐसे